कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। हमारे जिनसे हमारी मुलाकात होने वाली थी वो आ रहे हैं, मतलब बैंड के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। जनरल पे चलेंगे फिलहाल, इसी बोल रहे हैं कि वीडियो बनाना सख्त मना है, नहीं तो पकड़ लिया जाएगा। पहली बार एक ग्रैंड म्यूजिकल शो देखने जा रहा हूं जो कि B.R. अम्बेडकर साहब की लाइफ और टीचिंग्स पे आधारित है, जो ऑर्गेनाइज करवाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत खुशी है इस बात की। B.R. अम्बेडकर साहब यानी कि भीम राव अम्बेडकर की लाइफ में काफी स्ट्रगल था, लेकिन उसके बावजूद वो इतना पढ़े कि अपने देश को उन्होंने एक नई राह दिखाई। उनका कहना था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। दिल्ली की सड़क पे बाइक को दौड़ाया जा रहा है बेहतरीन टाइम लैप्स के साथ, और हम आ पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और प्ले है उस वाले स्टेडियम में हो रहा है। थोड़ा पेट पर दिख रहा है मेरा, यहाँ पे प्ले हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली क्या पेट पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्ले यहीं पे है। दिल्ली सरकार की तरफ से केजरीवाल साहब ने आज प्ले रखा हुआ है। मास्क तो डालो, प्ले चल रहा है, दोबारा से लूंगा। तो केजरीवाल साहब ने यहाँ पर एक प्ले रखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर साहब के ऊपर, ऊपर उनकी जीवनी के ऊपर, मतलब। तो सभी लोग आए हुए हैं देखने के लिए अपनी अपनी फैमिली के साथ, तो आज हम भी आए हैं यहाँ पर। ये इधर कैमरा, इधर देखो, एंजॉय करेंगे। ये हमारे साउथ इंडियन की ब्रह्मानंदम। तुम्हारे कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों, आज आपको दिखाने के लिए है थिएटर का एक प्ले। बहुत ज्यादा भीड़ है। अपना नंबर कब आएगा? वो कह रहे इधर से भेज दो, चलेंगे इधर से। नहीं, 20 नंबर के इधर से एंट्री हो रही है क्या? क्या 20 नंबर से भी एंट्री है क्या? अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे थे यार, कई लोग तो ऐसे अपने बॉस को बोल कर आएंगे कि छुट्टी पे जा रहा हूँ, आज अर्जेंट काम है, चक्कर आ रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई, लू लग रही है मेरे को, और यहाँ पर आ गए। दो लोग हैं, थैंक यू। देखो मेरी बहन ने तो मना कर दिया राखी बांधने के लिए, लेकिन मैंने भाई बना लिया राखी बांधने के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बहुत मजा आ रहा है। सभी लोग ऐसा पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में मैंने अभी पूड़ियां और आलू की भुनी हुई सब्जियां देखी हैं। ऐसा लग रहा है गंगा जी पर जाते हैं ना नहान करने के लिए, तो घर से जीरा और आलू की सब्जी और पूड़ियां बना के लेके जाते हैं। ए भैया, हमें लगा हमें VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अलग से लाइन में है। बाद में पता चला कि हम फीमेल्स की लाइन में खड़े थे। हाउ चीप। चेकिंग हो रही है सर, चेक कर लीजिए। स्टार्ट हो गया प्ले। तो भैया ये है शो की कास्ट एंड क्रू, काफी बेहतरीन कलाकारों के चित्र लगे हैं यहाँ पे। कैफेटेरिया, हेलो भैया, कुछ है क्या? कुछ एक पानी की बोतल देना और प्रसाद। ये क्या किया आपने? कुछ नहीं, हम लेट हो गए सर। ये क्या है? ये सर आप आए नहीं यहाँ पर। और ये हमारी हो रही है एंट्री। प्ले शुरू हो चुका है और हम एज यूजुअल लेट हो गए हैं। यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन है, क्योंकि फ्री है। अपने घर पे टाइम पे चाहे कभी ना पहुंचे हो, लेकिन फ्री के शो में सबसे पहली सीट का कब्जा करते हैं। और वैसे भी मुझे अपनी बैक बेंचर वाली लेगेसी को बरकरार रखना है, तो अच्छा है मेरे लिए। इंटरवल का समय, दर्शक उत्साहित, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरवल होते ही सबके हाथ में हथियार मोबाइल फोन। बोल रहे हैं कि वीडियो बनाना सख्त मना है, नहीं तो पकड़ लिया जाएगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए से सवाल पूछने की शक्ति थी।
our costume designer must be Kumar and Slash One Day Singh, Basu Sharma and team. इस प्ले का लोगों पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि लोग इमोशनल हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए और बाहर आने के बाद लोगों के अंदर से जोश से भरा हुआ ज्वाला देखने को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जय घोष होने लगी। सुपर हिट सुपर हिट, ऐसा लग रहा है दिन के 4 बज गए हैं। हमने शो देख लिया है, नेक्स्ट शो के लिए तैयारी है। लाइन लगी इतनी बड़ी, हमारे टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी यार।